नमस्कार, न्यूज में आपનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે કુમાર. નજર કરીએ સમાચારો પર. સુરતમાં ઓશો ગીતા ધ્યાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. દેશ વિદેશથી સુરતમાં સાધકો આવશે. સુરતના ઓશો પિરામિડ આશ્રમમાં 1 એપ્રિલથી 6 એપ્રિલ સુધી ગીતા ધ્યાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શિબિરમાં ભાગ લેવા માટે 75 જેટલા સાધકો અધિકારીઓ દેશ પરદેશથી આવી રહ્યા છે. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં વર્તમાન સમયના વિપરીત સંજોગોમાં શાંતિ કેવી રીતે જાળવવી તે વિષય પર માર્ગદર્શન આપવાની સાથે વૈચારિક મંથન કરવામાં આવશે. સમગ્ર શિબિરમાં શિબિરાર્થીઓને ઓશોના અમૃત પ્રવચન સંભળાવવામાં આવશે. તેમણે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગની વ્યાખ્યા કરતા પ્રબોધ્યા હતા. મનુષ્યના આત્મા અને શરીર વચ્ચે જે ભેદ છે અને તેના જુદા જુદા ગુણ લક્ષણ છે તેની વિસ્તૃત ચર્ચા થાય છે. આ પ્રાયોગિક ધ્યાન યજ્ઞનું સંચાલન ઓશો ફ્રેગરન્સ સંસ્થા સોનીપત હરિયાણાથી આવેલા ઓશોના અનુજ સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતી અને માં અમૃત પ્રિયાજી કરશે. સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીએ કહ્યું કે હજારો વર્ષોથી લોકો ગીતાનું અધ્યયન કરે છે, ચિંતન મનન તો કરી જ રહ્યા છે, પરંતુ તેના માર્ગ પર ચાલવામાં આવતું નથી. ત્યારે જીવનમાં જેટલું દુઃખ વધતું જાય છે તેની નાસ્તિકતા વધતી જાય છે. પરમાત્મા પરથી ભરોસો ઉઠવા માંડે છે, પણ જ્યાં સુધી એ દબાય નહીં કે મારા દુઃખના કારણમાં હું જ છું, ત્યાં સુધી દુઃખમાંથી છૂટવાનો કોઈ રસ્તો નથી. શિબિર સિવાય 31 માર્ચના રોજ સાંજે 5 થી 8 સત્સંગનું આયોજન સેટેલાઇટ ખાતે દેવસર માતા મંદિરમાં કરવામાં આવ્યું છે. साक्षात्कार लेना प्रारंभ किया, तब से भारत वर्ष और नेपाल के अलावा विदेशों में भी निरंतर कार्यरत है. आस्था चैनल, श्रद्धा चैनल तथा अनेक यूट्यूब चैनल पर 1000 से अधिक प्रवचन दे चुके हैं. यह प्रवचन 40 पुस्तकों व सैकड़ों ऑडियो वीडियो के रूप में उपलब्ध है. इनमें ओशो की शिक्षाओं की और आंतरिक जगत में छिपे रहस्यों की सरल प्रस्तुति बड़ी अद्वितीय है. 2019 में ओशो फ्रेगरेंस की स्थापना की. कोरोना काल के दौरान से ओशो की ध्यान तकनीकों का ऑनलाइन अभ्यास कराना विशेष रूप से जारी रहेगा. परिचय इस प्रकार से है. स्वामी जी का जन्म 17 जून 1955 को गाडर द्वारा मध्य प्रदेश में ओशो के 5वें भाई के रूप में हुआ. 1971 में नव संन्यास आंदोलन में शामिल हुए. 1973 में सागर विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी टॉपर रहे. 1979 में मेडिकल कॉलेज से MBBS किया. फिर 1981 तक श्री रजनीश आश्रम पूना के अस्पताल में अपनी सेवाएं दी. 1985 तक रजनीशपुरम में रहे. तत्पश्चात बिरला की OPM हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया. ओशो के अंतिम दिनों में पुनः पूना में रहे. स्वामी जी ने ओशो साहित्य का अनुवाद एवं संपादन किया है. रविवार की शाम को सूरत में सार्वजनिक सत्संग होगा, उसमें आप सबका स्वागत है. इस सत्संग का विषय है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी हम अपने भीतर शांति को कैसे बरकरार रखें. अक्सर हम सोचते हैं कि बाहर की परिस्थिति हमारी मनस्थिति को बदलती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल ठीक है. यदि मैं भीतर शांत हूँ तो बाहर की कोई भी परिस्थिति मुझे अशांत नहीं कर सकती, मुझे क्रोधित नहीं कर सकती. तो असली बात यह समझना है कि मेरे भीतर कौन से कारण हैं जो मुझे अशांत करते हैं. क्या मैं महत्वाकांक्षी हूँ, एम्बिशियस हूँ, क्रोधी हूँ, गुस्सैल हूँ, ईर्ष्या और जलन में जीता हूँ? तो मुझे अपने भीतर इनका इलाज करना होगा. बाहर की परिस्थितियाँ तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी. अचानक हमारे बदलने से हमारे लिए सारा जगत बदल जाएगा, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारे लिए पूरी सृष्टि बदल जाएगी. तो कैसे यह दृष्टि से सृष्टि का रूपांतरण हो, इसे जानने, समझने और प्रयोग करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ. इस शिविर में, इस सत्संग में जरूर आइए. मैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती. मैं ओशो की शिक्षा के अनुसार ध्यान साधना का प्रयोग सिखाने के लिए सूरत आया हूँ. यहाँ पर ओशो पिरामिड आश्रम है. यहाँ पर 6 दिन का शिविर होगा, 1 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा. इसमें सुबह से शाम तक 5 प्रकार के ध्यान प्रयोग सिखाए जाएंगे. इनका मुख्य विषय है गीता के अध्याय 13 अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पर आधारित साधना. आप जानते ही होंगे गीता पर सबसे लंबी व्याख्यान माला ओशो ने दी है, लगभग 350 घंटे के प्रवचन दिए हैं. एक एक अध्याय पर एक एक किताब उनकी प्रकाशित हुई है. प्रत्येक अध्याय पर विशेष रूप से क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को इस बार चुना गया है साधना के लिए. क्षेत्र का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, बाहर की दुनिया, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है क्षेत्र को जानने वाला, हमारे भीतर की अंतरात्मा.
यहाँ तक कि हमारा शरीर और हमारा मन और हमारे हृदय की भावनाएं भी क्षेत्र हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उनको भी जानती है, वह उनसे भी भिन्न है। तो कैसे हम क्षेत्र से हटकर क्षेत्रज्ञ में आए, अपने आत्मा में रमण करें, तब परम शांति का, परम आनंद का, सच्चिदानंद का एहसास होता है। यही आध्यात्मिक अनुभव समस्त धर्मों का सार संक्षेप है। धन्यवाद।